हाय फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ शेख हुमा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज है रमज़ान की चांद रात, चांद दिख गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की नमाज़ भी हो चुकी है। अभी टाइम हुआ है 7:20 एंड कल से रमज़ान है और हम लोग की कुछ भी तैयारी नहीं है। तो बस मैं और भाई जा रहे हैं कुछ रमज़ान की मतलब शॉपिंग करने। हो गया काम? हाँ, बस बताना था कि चले जाएंगे अभी बंद करके दुकान। हाँ, तो अब चलते हैं हम शॉप कुछ लेने, मतलब कुछ सामान लगते हैं ना रमज़ान के, जो हम बहुत पहले से लेना स्टार्ट कर देते हैं, पर इस बार हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। तो बस अभी बस वही करने जा रहे हैं। चलो चले। आ चुके हैं हम बहुत सारी शॉपिंग करके बहुत थोड़ी शॉपिंग हुई इस बार, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो मैंने ले लिया पेप्सी। सो फ्रेंड, आ गए हम घर वापस। भाई को आज बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला, थोड़ा सा वक्त निकाल कर वो शॉप से आया एंड तरावी का भी टाइम होने लगा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया जो भी करना था। और इतनी तेज से प्यास लगी, रमज़ान कल से स्टार्ट है, मुझे प्यास आज ही से बहुत ज़्यादा लगी। सामान ही चाहिए था क्योंकि अभी दो चार दिन पहले ही मैं घर के सारे सामान मंगा चुकी थी। तो बस ये होता है ना कि रमज़ान के पहले कुछ तो हम जाकर लाए, तो बस वही किया मैंने। अभी हो चुका है इशा का वक्त, तो बस जल्दी से पढ़ते हैं इशा की नमाज। हुरैन, वो हुरैरा को देखो कैसे पढ़ी है। हुरैरा हुरैरा हुरैरा, ये देखो इसकी आँख चमकी। ये यहाँ पढ़ा है, वो वहाँ पढ़ी है। सो फ्रेंड, निशा की नमाज़ हो गई है एंड पापा और भाई गए हैं तरावी पढ़ने, और यहाँ पर मैं अपना रेडी कर रही हूँ डिनर में खाने के लिए चिकन। उसके बाद मुझे बनाना है खाना। खाने में आज बनाना है मुझे आलू मेथी की सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं अपना चिकन बना लेती हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। सो फ्रेंड, ये रेडी हो चुका है चिकन, देख सकते हैं आप लोग। बहुत लाइट सा, मतलब लाइट से मसाले में बनाती हूँ, दही में बनाती हूँ मैं। थोड़ा सा बस मसाला डालती हूँ, मतलब आधा चम्मच करीब लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक बस, और घी डालती हूँ। सो बस मैं खाती हूँ ये चिकन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो सहरी का वक्त हो चुका है, हम उठ चुके हैं। सहरी का वक्त मतलब 5:05 तक है, तो अभी काफ़ी वक्त है सहरी के टाइम में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तहज्जुद एंड उसके बाद तिलावत करेंगे। और ये देखिए, आप लोग उठते ही हम स्टार लाइट जला दिए क्योंकि रमज़ान है, तो रमज़ान की तरह लगना भी चाहिए ना। तो बस अभी पढ़ते हम पहले तहज्जुद। फ्रेंड, चाय बन गई है, अब पीने लगे हम चाय। एग्स पहले ही खा चुके हैं, देखिए मैंने निकाला है चाय बिस्किट, और ये मेरा भाई देखिए, इसको तो हमेशा किचन में अपना बैठने का इंतज़ाम बना लेता है, बढ़िया ही बढ़िया खाता है, टेबल कुर्सी बना लेता है किचन में ही। सो फ्रेंड, सहरी तो हो गई है, अब सोच रही हूँ मैं हुरैन हुरैरा को भी सहरी करवा देते हैं, खोलते हैं उन लोग को। इनको भी दिया जा रहा है इनकी सहरी। आओ, तुम क्यों बैठ गए वहाँ चुप्पे से? हुरैरा तो बढ़िया खा रही है, पहले इसमें खाई अपने में, फिर उधर चली गई, और ये नहीं खा रहा है, बैठा है आराम से। हुरैन, लो खाओ। ये देखो, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? चलो अंदर हुरैरा। और ये देखो इसको देखो, यहाँ नमाज़ पढ़ रहा है भाई, और ये यहाँ आके बैठा है। कहीं जगह नहीं मिलती तुमको? इसको जगह नहीं मिलती? जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तब मेरे साथ भी यही करता है ये। हुरैन। फ्रेंड्स, अब हम भी पढ़ लेते जल्दी से फजर की नमाज़। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले रोज़े की अफ्तारी की तैयारी चल रही है, तो
वही सब बना लिया मैंने, मटर पकौड़ी वगैरह। पकौड़ी तो अभी लास्ट में बनाऊंगी बस, और दही फुल्की शरबत ये सब बना के रख दिया है मैंने। और मैं अपने लिए बना रही हूँ पनीर, रेडी कर रही हूँ मैं अभी, कि मैं मुझसे भगौड़ी उगौड़ी या पकौड़ी नहीं खाई जाती, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ पनीर। ये दही फुल्की की फुल्की मैंने बना ली है, और ये मकौड़ी का बैटर मैंने रेडी कर दिया है, इसको लास्ट में फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी पनीर, इसमें बन चुकी है मटर एंड शरबत, और ग्रीन चटनी वगैरह वो सब भी मैंने रेडी करके रख दिया है। जल्दी जल्दी सबको ले रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि रोज़ा खुलने का टाइम बिल्कुल हो जाता है और मेरा काम ही नहीं हो पाता, इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ फटाफट। यहाँ से निकाल लेते हैं अपना, खरीद खरीद के लाता है और भूल जाता है। ये पिछले साल रमज़ान पे लाए थे और कह रहा हूँ ये किसी चीज़ में फ्री मिला था ना, जबकि इतने शौक से खुद खरीद के लाया था। खिलौना टाइप को तो लग रहा है, मतलब खरीद के जाए। और इस साल रमजान में मैं निकाली हूँ ये सूट पहने। क्यों आई है भैया? अरे मैंने ऐसे मन कर गया शहरी में खाने के लिए, ये पापड़ देसी घी वाली है। अच्छा ये पापड़ अच्छा होगा, अरे एक नंबर। रफ्तारी आई है बड़े पा कैसे। हमारा भाई हमारे लिए बनाया है लस्सी, यहाँ पे हम तल रहे हैं भगौड़ी और पनीर भी निकाल लेना बनाए हम। हाँ, इसको खाली बोले गरम कर दे, चिपका दिया हुई। ओए अल्लाह, कोई तोड़ फोड़ दिया भाई, जबरदस्ती तोड़ दी। इतनी मुन्नू मुन्नू से काटी थी तुम, इतनी मुन्नू मुन्नू से काटी थी तुम। मुन्नू मुन्नू से क्या होता है भाई, मुन्नू मुन्नू से काटी, छोटी छोटी सी ही अच्छी लगती है, जो बहुत बड़ी बड़ी पनीर नहीं अच्छी लगती। और अभी 15 मिनट बाकी है अफ्तारी होने में, यहाँ पे तल रहे हैं हम भगौड़ी। अफ्तारी हो गई और मगरिब की नमाज़ भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोज़ा बहुत अच्छा था, बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो एसी ऑन करना पड़ा आज से क्या, कल रात से ही मैंने ऑन कर ली थी एसी। एंड यहाँ पर मेरी चाय रखी है, ठंडी हो रही है, सुकून से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि सर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मुझे अभी खाना भी बनाना है, खाने में मुझे बनाना है चिकन, तो बस अभी 1-2 घंटा रेस्ट करूँगी। अभी तो 7 बज रहा है, 9 बजे तक बनाऊँगी, तो 2 घंटा है मेरे पास, आराम से रेस्ट करूँगी उसके बाद बनाऊँगी। एंड यहाँ पर हुरैरा को देखिए, आराम से चेयर पे लेट के सो रही है। सो बस फ्रेंड, ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा। ओके फ्रेंड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।